मॉर्निंग क्लास 8। आज मैं एक बार क्वेश्चन आंसर रिवीजन करा दे रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि आपका सिलेबस थोड़ा बढ़ गया है। कविता छोड़ दूँ मैं, कवित्री ने पक्षी के माध्यम से बालिकाओं की मनोस्थिति का वर्णन किया है। कविता में छोड़ने की बात की गई है, ठीक है। कविता में किसे छोड़ने की बात की गई है? कविता में पिंजरे में कैद पक्षी को छोड़ने की बात की गई है। जैसे लड़कियों को घर में कैद करके रखा जाता है, उनको सारी सुविधा दी जाती है, बट उच्च शिक्षा के लिए उन्हें बाहर जाने नहीं दिया जाता। चिड़िया के बंधुगण कहाँ उड़ रहे हैं? चिड़िया के बंधुगण स्वतंत्र आसमान में उड़ रहे हैं। किसकी सलाखें हंसती हैं? पिंजरे की सलाखें हंसती हैं। चिड़िया के अंतरंग में, अंतरंग मीन्स हृदय मन, क्या अंकुरित नहीं कर सकता है मानव? शांति। क्यों नहीं कर सकता है शांति अंकुरित? क्योंकि चिड़िया क्या है? कैद है, और कैद रहकर कोई सुख और शांति नहीं पा सकता। नव की ओर कौन उड़ चले? नव की ओर पक्षी के बंधुगण उड़ चले। चिड़िया उषा के प्रकाश में भी कहाँ है? चिड़िया उषा, उषा मीन्स सुबह, उषा के प्रकाश में भी परतंत्रता के अंधकार में जकड़ी हुई है। पिंजरे की प्रत्येक सलाख चिड़िया की ओर देखकर क्या करती है? पिंजरे की प्रत्येक सलाखें चिड़िया की ओर देखकर हंसती है। मानव क्या नहीं कर सकता? मानव चिड़िया को परतंत्र रखकर खुश नहीं रख सकता। क्या आप किसी को परतंत्र रखकर खुश रख सकते हो? आप खुद ही बंद होकर देखिए कि आपको अगर घर से नहीं निकलने दिया जाए, आपको घर में ही कैद करके रखा जाए, आपको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, तो क्या आप खुश रह पाओगे घर में रहकर? आप वैसी स्थिति आप अभी देख सकते हो कि कुछ दिन पहले जैसा लॉकडाउन था कि हमें घर से निकलना नहीं था, तो हम कितने व्याकुल थे कि कब ख़त्म होगा, और अभी भी सब परेशान है। अभी भी लॉकडाउन चूँकि खुल चुका है, एक तरह से हमारे लिए पिंजरा है, जैसे हम पक्षियों को पिंजरे में कैद करके रखते हैं ना, तो ये एहसास दिला रहा है ईश्वर हमें कि किसी को कैद करके नहीं रखना चाहिए। अभी मानव की स्थिति क्या हो गई है, उसे लग रहा है कि कब ये बीमारी जाए और हम स्वतंत्र होकर पहले के जैसा घूम फिर सकें, ठीक है ना। तो परतंत्रता किसी को भी पसंद नहीं है। आप ये अभी जो जैसा माहौल चल रहा है, या बहुत अच्छे से महसूस करके इसको लिख सकते हो और अच्छे शब्दों में लिख सकते हो। छोटी चिड़िया पिंजरे से निकलकर क्या करना चाहती है? छोटी चिड़िया पिंजरे से निकलकर स्वतंत्र आकाश में स्वतंत्र रूप से उड़ना चाहती है। चिड़िया मानव से इतनी निराश क्यों है? चिड़िया मानव से निराश है क्योंकि मानव ने उसे कैद कर रखा है। अंतरंग में अंकुरित शांति का तात्पर्य है, जब उसे स्वतंत्र किया जाएगा तब उसे मन से शांति मिलेगी। कविता का संदेश यह है कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक है, और स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है किसी महान व्यक्ति का नारा भी है। किसका है बच्चों? स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक का नारा है, ठीक है, याद रखोगे। यानी स्वतंत्रता पर हर जीव का अधिकार है, जितने भी जीवित प्राणी हैं सबका स्वतंत्रता, यहाँ तक कि पेड़ पौधों का भी स्वतंत्रता पर अधिकार है, लेकिन मानव इतना स्वार्थी हो गया है कि उन पेड़ पौधों को बड़ी बेरहमी से काटता चला जा रहा है ना। एक पेड़ जो है वो बिना कुछ कहे दिन भर आपको जीवन वायु ऑक्सीजन देता है, बारिश कराता है, फल देता है, छाया देता है, लकड़ी देता है, कपड़े लत्ते दवाइयाँ, यानी पूरी तरह से हम उस पर डिपेंड है। एक तरह से वो हमारे पेरेंट्स के समान है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, उसको काट देते हैं एक बुरे बच्चे की तरह, नालायक बच्चे की तरह। अब है व्याकरण, भाषा कौशल, उपसर्ग गलत करना। उपसर्ग किसको बोलते हैं? वह शब्दांश जो मुख्य शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ को क्या करता है, बदल देता है, ठीक है। जैसे विहार, हार, हार का मतलब क्या होता है? एक हारने वाला हार भी होता है और एक गले का हार भी होता है, लेकिन अगर उसमें हम वी लगा देंगे, वी उपसर्ग लगा दें, तो विहार, विहार मीन्स घूमना, विचरना। निर्मल, मल मीन्स गंदगी, बट उसमें अगर हम उपसर्ग लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है, निर्मल, यानी स्वच्छ, साफ। प्र जोड़ भा, अगर भात में हम प्र, भात आप जानते हो, सभी जानते हो भात किसको कहते हैं, चावल के पके हुए रूप को, लेकिन उसमें हम अगर प्र उपसर्ग लगा देते हैं तो क्या बन जाता है, प्रभात, मीन्स की सवेरा।
स्वच्छ, स्वच्छ मीन्स सुजोड़ अक्ष, स्वच्छ। अब ये तो विशेष और विशेष विशेषण, विशेष मीन्स जो संज्ञा है, क्रिया है, करता है, वो इसकी विशेषता जो है वो खुला आसमान, स्वर्णिम प्रभात, निर्मल प्रकाश, प्रत्येक सलाह। अब यहाँ है परसर्ग मीन्स होता है चिन्ह, आपने पढ़ा है ना, कर्ता ने कर्म को, करण से संप्रदान को, के लिए अपदान से संबंध का, के की अधिकरण में पर संबोधन हेयर है। तो जो चिन्ह है, क्या बिना चिन्ह के कोई भी वाक्य हम पूरा कर सकते हैं, उसके मीनिंग को ठीक से समझ सकते हैं? नहीं। तो परसर्ग का अर्थ होता है चिन्ह। जैसे यहाँ नभ की ओर उड़ चले, तो की किसका है? संबंध कारक का है ना, संबंध का के की, यानी संबंध किसका है? नभ से है। निर्मल प्रकाश में किसका चिन्ह है? अधिकरण कारक का है। पिंजरे से छोड़ दो, से दो में आता है, करण में भी आता है और अपदान में भी आता है। तो करण का से साथ रहने के लिए आता है और अपदान का से अलग होने के लिए आता है। जैसे करण का से आता है, मैं कलम से लिखता हूँ, यानी कलम आपके पास है, लेकिन पिंजरे से छोड़ दो, यानी पिंजरे से अलग कर देना है, तो क्या होगा? अपदान होगा। मेरे अंतरंग में अंकुरित नहीं कर सकता, मैं क्या है? अधिकरण कारक है। ठीक है, अच्छे से समझ गए इसको आप लोग? आप रिवीजन कर लोगे, आपको हम नया सिलेबस व्हाट्सएप में भेज देंगे। ठीक है, थैंक यू।